मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के लोग कराची के लोग और यूथ के लिए हमारा ये पैगाम है कि ये 21 और 22 को जो कराची के अंदर धरना हो रहा है केपीटी पुल के ऊपर, केपीटी पुल वो पुल है जो कमर हाउस से किमाड़ी की तरफ आप जाता है तो वहाँ पर धरना हो रहा है, 21 की शाम से शुरू होगा और 22 की शाम तक चलेगा। इस धरने की सिम्बॉलिक नीयत यह है कि हम ड्रोन अटैक्स के खिलाफ हैं, हम नेटो की सप्लाई रूट्स के खिलाफ हैं, हमारे सप्लाई रूट्स इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे लोगों को कत्ल करने के लिए, हमारे सप्लाई रूट्स इस्तेमाल हो रहे हैं ड्रोन हमलों के लिए, हमारे सप्लाई रूट्स इस्तेमाल हो रहे हैं अफगानिस्तान में नेटो के असलहे और इन सब चीज़ों के जाने के लिए। हम इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि पाकिस्तान की आज़ाद खुद मुख्तार पॉलिसी हो, फॉरन पॉलिसी हो। हम अमेरिका से जंग नहीं चाहते, मगर हम ये नहीं चाहते कि हमारी सल्तनत के अंदर और हमारी टेरिटरी के अंदर जंग हो और उस जंग के अंदर हमारे मासूम लोग मारे जाएं। जो दहशतगर्दी की जंग है वो हमने इम्पोर्ट कर हमारे यहाँ दहशतगर्दी शुरू हो गई है और हम खुद इस बात से परेशान हैं, मगर जो इंटरनेशनल जंग है अमरीका की उससे हमारा हम ला ताल्लुकी का इजहार करना चाहते हैं, मगर पाकिस्तान की दहशतगर्दी जो है पाकिस्तान के अंदर उसके अंदर हम समझते हैं कि कोई मासूम कत्ल नहीं हो, उसके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी चाहिए, मगर वो हम खुद करेंगे, वो अमरीकन एजेंडे पर नहीं करेंगे। लिहाजा हम ये समझते हैं कि अमरीका अगर अफगानिस्तान से निकलेगा या उसके ये रास्ते रोके जाएंगे तो हम अपनी हुकूमत के पैर भी मजबूत करना चाहते हैं कि अगर वो स्टैंड लेना चाहती है ड्रोन हमलों पर तो लिहाजा वो स्टैंड ले और हम और दिखाना चाहते हैं कि आवाम उसके साथ है। तो लिहाजा आप लोग धरने के अंदर शिरकत करें और धरने के अंदर जुग-दर-जुग आए, औरतें बच्चे, बड़ा अच्छा माहौल होगा और वहाँ पर तकरीरें भी होंगी, तराने भी होंगे और कौम को जगाने का काम है। शुक्रिया।